स्वागत है आपका अलाइव 24 न्यूज में। मंगलवार को प्रेस क्लब में मधुमेह रोग को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज के कारणों व उससे बचाव के उपाय पर बात की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर AK तिवारी मौजूद रहे, जिन्होंने कई अहम जानकारियाँ साझा की। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से अपने समस्त परीक्षकों को इस मधुमेह दिवस पर स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद मैं कुछ आधारभूत बातों के बारे में बात करूंगा। जैसे किसी मकान में चार दीवारें होती है, उसी प्रकार डायबिटीज को नियंत्रित करने के चार आधार स्तंभ है। पहला है नियमित खान पीन में परहेज, नंबर दो है नियमित व्यायाम, नंबर तीन है नियमित दवाई कि आप अपने डॉक्टर के हिसाब से देंगे, और नंबर चार है जांच। आमतौर पर देखा गया कि मरीज जो है दवाई खाता रहता है और वो शुगर की जांच नहीं करता है। तो जब जैसे हमें पता है कि इसको हमें नियंत्रित करना है तो बार बार जांच करके देखना आवश्यक है कि वो सामान्य स्थिति में है कि नहीं। सर, दवाओं के अलावा और क्या चीज़ जरूरी है सर मधुमेह को बैलेंस करने के लिए? अगर आपने जो मैंने आपको आधारभूत स्तंभ बताया उसमें चार कारकों में से दवाई केवल एक कारक है, बाकी दो तीन कारक हैं खान पीन में परहेज, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है जांच। तो खान पीन में परहेज का मतलब है कि हम अपने वजन और हाइट के हिसाब से जो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं उसके हिसाब से जो हमें कैलोरीज की आवश्यकता है वही हम लें, और एक संतुलित भोजन लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट समायोजित हो और वो बैलेंस्ड हो। खाने के बारे में मैंने आपको बताया कि करीब करीब 50% भाग जो है उसका हरी सब्जियां होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स या जो वेजिटेबल्स होनी चाहिए नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है। इसके अलावा हम लोग प्लेट के माध्यम से बताते हैं, आप देखोगे 50% भाग जो है वो सब्जियों का है, ये नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स है। इसके अलावा 1/4 पार्ट हम लोगों ने डेयरी प्रोटीन के बारे में बात किया है। प्रोटीन का मतलब है डेयरी, फिश, पनीर, इस तरह की चीज़ें। और जो 1/4 पार्ट है वो स्टार्ची वाला है, इसमें रोटी और इस तरह की चीज़ें हैं, पोटैटोज एंड इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये एक सचित्र दिखा रहे हैं हम लोग कि एक नॉर्मल प्लेट किस तरह की होनी चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट को कम से कम कितना व्यायाम करना चाहिए? जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहती है करीब 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते में होना चाहिए, क्योंकि करीब करीब 30 मिनट का कम से कम हफ्ते में 5 दिन बनता है। ये थी अलाइव 24 के संवाददाता लकी कुमार की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।